के बाद भये हैं अरण्य पे अति दल ध्यान सुनो जन के पास है दो रानी प्यारे चतर कान सुनो प्रकार से बताया। अब हमारे भाई हमको कौन मना लगाती कान धर्म को कौन पूछेगा जब कुकर्म का जमाना है लरम को कौन पूछेगा एकदम गरम का जय गरम को जमाना है टूटी फाई कर लेके सबो दमाना जाए लड़का लोग कान लगा जीजा जी पटकिया बगर वाले घर में फेंक दियो तो रिश्तेदार हो चार पहिया की बहन लेके आओ फोर व्हीलर लेके दो दो नालू वाले संग हो चार जने चाय ले ठाणे बोले भाई साहब की व्यवस्था न बिगड़ जाए। इसलिए कहा गया कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से और खुशबू कभी आती नहीं कागज के फूलों से। सच्चाई छुप जाती है जब आपस में मेल हो खुशबू आती है कागज के फूल से जब उसमें तेल हो। और जो हमारे रियांश महाजोली उनको 21 रुपया प्रदान है महजोली बहुत बहुत बधाई। अब मैंने डालटा खाओ फफो का करो जब से फसल डालता चल गो इनर नारी को बन गो जब से हमने खाओ डालता तब से हमें अखर गो काफी खुल्ला हाल लगी सो दफ्तर में मैं हल गो ईश्वर कहा ताज मिली दवाई मठा पियो सब हल गो। ईश्वर कहना बताया कभी ने लिखाएंगे शुक्राचार्य की स्वता देवनी दासी फरमट्ठा है प्यारी दो प्रयोग में राजा भय है कौर पांडवा बलधारी दूसरी रानी बताई गई। कहा गया और हमारे चरण भान भैया इमिलिया से 10 मुद्राएं नहीं बल्कि 10 इंद्रियां प्रदान है उसी महाभारत में। और कहना कहा गया और जो 21 रुपया हमारे दयाल स्टूडियो फेला के माध्यम से प्रदान होते हैं इन शब्दों में बहुत बहुत बधाई हमारे दयाल भैया को। सही स्टूडियो सही चैनल चलत रहा फेला वालों को बहुत बहुत बधाई ईश्वर की कृपा से। कहना बताया कहा गया दो रानी थी राजा यातिक हैं एक तो शुक्राचार्य की बिटिया देवयानी
और दूसरी फरमिठा जो उसकी दासी थी। कहा गया वो दासी किसकी लड़की थी? अब देत देओ बस परवा की जा फता फरमिठा। अरे भाई राजा की भैया रानी अब दोली से दो फत भय पैदा। अरे यदु तर बस लो जानी जोनी के दो पद पैदा होते हैं। कहा गया जोनी के दो पद भय पैदा यदुवत वाले जानी। यदु नाम से भय यद बंसी के फल लिखी माँ ले जानी। यदु नाम से जोनी के दो लड़का यदि वो तरबस यहाँ परमेश्वर के तीन पर आशीर्वाद हमारे भैया प्रहलाद ठेकेदार हमीरपुर तरफ से उनकी तरफ से प्रदान हो रहे हैं। पार्टी को ज्यादा धन्यवाद। इस प्रकार से बताया कौन से वचन पूर्व ने निभाए, क्योंकि राजा याति भर जमानी में बूढ़ा हो गया, क्योंकि एक बार शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया राजा याति को, ये तुझे बहुत जमानी का घमंड है तो भर जमानी में तू बूढ़ा हो जा, ऐसा बताया गया। और ये आज कहना 11 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया करण कुशवाहा की तरफ से प्रदान हो रहे हैं। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कि लगे शर्म सी बात कात में, कि लगे शर्म सी बात कात में पर परी बताने रे, पर परी बताने रे कि माता अभी जम
बढ़ा गया। नाना ने ऐसा दिया साथ कैसा बनत नाता बनत नाता तो देखा बुढ़ापे में सारी जवानी में राजा याति बूढ़े हो जाते हैं। जो देखे सो करे हंसूंगा झूठ न माने रे अब माता अभी जमान पिताजी लगे बुढ़ाने नवल धुरिया उनके प्रधान हो रहे हैं। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महाराज याति के पांच लड़के थे यदु तरबस ये धोनी के थे परमेश्वर के तीन लड़के थे दो अनुप्रु पांच पुत्र राजा के पहले कल सभी के पास में जाते हैं कहने लगे राजा बोले हैं वाणी सुनो पुत्र ज्ञानी मानो मेरी बात मानो मेरी बात मानो मेरी बात। कहाँ लगे ले बुढ़ापा जो जवानी ले बुढ़ापा जो जवानी हम थे जाने रे पर माता अभी जमान ने तो इनकार कर दिया। पहले तो पुरु ने कहा बड़े पिताजी मैं आपको अपने जमाने देता हूँ। हेलो और ये 11 रुपए का आशीर्वाद हमारे भैया रियांश महजोली की तरफ से प्रदान हो रहे हैं। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद।
बना तो महाराज को इस प्रस्ताव का सहयोग नहीं दिया। पहले कहीं पूर्व कहने लगे, बोले हे महाराज यज्ञाकारी बात नाकारी, मानी पति की बात, मानी पिता की बात। बोले पिताजी देव बाप मरी गए जवानी, देव बाप मरी गए जवानी, झूठ न माने रे माता यही जमाल पिताजी नरे बढ़ाने रे। और चलते हैं अंतिम बात ख्याल की, कहना बताया गया कौर वंश में पैदा भए हस्तिभूषण जानो, इसी वंश में भए पारिछत भैया बात सही मानो। सब कहते हैं कि शांतन महाराज श्यार से पैदा भए लड़ैया से, कई कलाकारों ने गाया भी है, लेकिन मुझे प्रसंग मिला है इसमें कहा गया कई पीढ़ी के बाल भय नप्रदीप सही माना, जन के पास अब तीन पत्र थे। कहा गया और कई पीढ़ी के बाद भय है और नप्रदीप जा राजा न महाराज प्रदीप के तीन पुत्र भाई देवापी बालिक और संतनु। जिया लाल संतन के ब्याही गंगा जन की भई रानी, चरत दिखाया चरत सुनाया महाभारत का, ध्यान लगा के सुनो नर नारी। अरे जिया लाल संतन के ब्याही अरे गंगा जल की वही नारी, इस प्रकार से बताया। और हमारे दूसरे कलाकार आप लोगों की सेवा में, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।